हरि ओम। रवि पुष्यामृत योग 9 जून रात्रि 8:20 से 10 जून सूर्योदय तक। शिव पुराण में पुष्य नक्षत्र को भगवान शिव की विभूति बताया गया है। पुष्य नक्षत्र के प्रभाव से अनिष्टतर दोष भी समाप्त और निष्फल से हो जाते हैं। वे हमारे लिए पुष्य नक्षत्र के पूरक बनकर अनुकूल फलदायी हो जाते हैं। सर्व सिद्धि करह पुष्यः। इस शास्त्र वचन के अनुसार पुष्य नक्षत्र सर्व सिद्धिकर है। पुष्य नक्षत्र में किए गए श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है तथा कर्ता को धन पुत्रादि की प्राप्ति होती है। इस योग में किया गया जप, ध्यान, दान, पुण्य महाफलदायी होता है, परंतु पुष्य में विवाह व उससे संबंधित सभी मांगलिक कार्य वर्जित है। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 10। रवि पुष्यामृत योग के दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले। बरगद के पत्ते पर गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में हल्दी से स्वस्तिक बनाकर घर में रखे, इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। लोक कल्याण सेतु, जून 2024। हरिओम।